कोर्ट आदेश करी, हमें कोर्ट आदेश के मुताबिक हम यहाँ बैठते हैं, उन्होंने हमारा जेल भरते हैं, जेल में ले जाकर बांधे, उन्होंने हमारा मार को सरते हैं, उन्होंने हमारा मार को सटेंगे। नमग वे एडमूर वर्ष आते तरास नडदी नमक दोनस व्यापार नावेन तीन इसा कुड़ साड़पड़ी बेवा यकीम सब जन तड़पड़ी मत एम एल ए बसवनगौड़ पाटिल इसका मेन सूत्रधार उन्हें है, ये जो है इनोवा से उसकी गुलामी कर रहे हैं। डिपार्टमेंट वाले जब हमारे ऊपर जुलुम कर रहे हैं उन्होंने लेखा को झेड़ देने हमें सब जाने हाईकोर्ट का आदेश है, ये हाईकोर्ट का आदेश निकला है तो भी इनके ऊपर इन अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ नहीं बैठ सकते, हमें ये हमें आदेश नहीं मानते करके बोल रहे हैं ना। देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर नेहरू मार्केट तरकारी व्यापारियों का सवाल, क्या बीजापुर में कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा? शहर बीजापुर के महात्मा गांधी सर्कल के करीब नेहरू मार्केट के पास जो अब श्री अटल बिहारी वाजपेयी मार्ग बन गया है, यहाँ पिछले कई वर्षों से तरकारी बेचने वाले बीदी बदी व्यापारियों को महानगर पालिका की ओर से तकरीबन 2 साल से भी अधिक समय पहले रास्ता चौड़ीकरण और दूसरे अभिवृद्धि कामों को लेकर तरकारी व्यापारियों को यहां से हटाया गया था, जिसे लेकर कोर्ट में मामला चल रहा था। अब तरकारी व्यापारियों का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब कल यानी 23 जनवरी रविवार सुबह सभी व्यापारियों ने अपनी छीनी गई ज़मीन पर दोबारा वापस आकर व्यापार शुरू किया तो कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए महानगर पालिका के कमिश्नर और पुलिस ने मिलकर जबरदस्ती इन्हें उठाकर दोबारा उस जमीन से बेदखल करने का आरोप लगा रहे हैं व्यापारी, और साथ ही महानगर पालिका और पुलिस विभाग पर बीजापुर नगर विधायक बसन गौड़ा पाटिल यत्नाड़ के इशारों पर काम करने का आरोप लगाया पूर्व पार्षद मैनुद्दीन बिड़गी ने। अब सालों से चल रहा नेहरू मार्केट तरकारी फल विक्रेता और प्रशासन के बीच का संघर्ष कहां जाकर रुकेगा, यह तो वक्त बताएगा। आइए जानते हैं इस मामले पर क्या कहना है पूर्व पार्षद मैनुद्दीन बिड़गी और यहां के तरकारी व्यापारियों का। आज ये बड़े दुख के साथ हमको मीडिया के जरिए से पूरे बीजापुर शहर के लोगों को ये समझाने की नौबत आई है कि हमारे बीजापुर सिटी के कमिश्नर और यहाँ की जो पुलिस है, ये पुलिस मिलाकर गरीब लोगों के ऊपर धप्पाड़ की कर को इनको जो रोजी रोटी का इनका जो जरिया है वहाँ से इनको निकाल रहे हैं। इनको कोर्ट का आदेश दिखलाए तो भी ये देखो हाईकोर्ट का आदेश है, ये हाईकोर्ट का आदेश दिखलाए तो भी इनके ऊपर इन्होंने अत्याचार कर रहे हैं, तुम्हें यहाँ नहीं बैठ सकते, हमें आदेश नहीं मानते करके बोल रहे हैं ना। तो ये आदेश जो है जरा सब जने पूरे बीजापुर के मीडिया के जरिए से पूरे बीजापुर वाले को दिखलाते हैं, ये आदेश जो है सीधा सीधा इनको क्या भी तकलीफ नहीं देना कर को बोल को हाईकोर्ट का आदेश है, यथा रहे तो भी हमारे ऊपर ये गरीब लोगों के ऊपर धप्पाड़ की चली, किसी एक इंसान की बात सुन को प्रेशर में आको पुलिस और कॉरपोरेशन वाले जो है गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं। कल तुम्हारे कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई थी, उसके बाद कमिश्नर के साथ मीटिंग हुई, उन्होंने मुँह पर हाथ फिरा कर भेजने का काम कर रहे हैं, मुंह पर हाथ फिरा कर इन लोगों को विधि पाल करने का काम कर रहे हैं। हमें कमिश्नर उनकी कौन सी भी बात को मानते नहीं, हमने कोर्ट आदेश करी, हमें कोर्ट आदेश के मुताबिक हम यहाँ बैठते हैं, उन्होंने हमारा जेल भरते हैं, जेल में ले जाकर बांधे, उन्होंने हमारा मार को सटते हैं, उन्होंने हमारा मार को सटेंगे। अब जो भी होगा कल हम यहाँ को यहाँ बैठते हैं, पुलिस हमने क्या करते हैं करेंगे। अब उन्होंने हमारे परिहार नहीं कर रहे, उन्होंने नहीं हमने खाली होता भूल को गए उन्होंने, उसके बाद में नहीं हमें तुम्हारा वहाँ बैठने का इंतजाम करते हैं करके बोल को गए, लेकिन अब बैठने नहीं दे रहे, पुलिस फोर्स लगा ठहरा कर रहे हैं, गुंडागर्दी करे सर का करने लगे, पुलिस को लगा को फोर्स से ठहरा करने लगे, क्या हमें क्या गुंडे क्या हमारे ये लोग ये जो भगवान दिख रहे हैं तुम ना, इन्हों क्या जा को क्या है इसके गांजे का धंधा कर रहे हैं, इन्हों किसका मर्डर कर रहे हैं, इन्हों क्या तो भी करने वाले हैं, यहाँ लगा को पुलिस फोर्स है सौवासी पुलिस फोर्स लगा को पुलिस यहाँ ताकत का मुजाहिरा कर रही, कई को कर रही, क्या जरूरत है
कल कितने लोग वहां पर बैठे थे और क्या बोल के आपको वहां से हटाया गया? यहां पर कल 185 लोग पूरे जने बैठे थे। पुलिस आको तुम्हें नहीं ऐसी उठे कर बोले को तो तुम ना हमें ले जाको जेल में भागो कुटते कर को बोले औरतों को तक बोले आदमी को औरतों को सबको बोले हमें उनको यह ऑर्डर दिखलाए तो भी हमारी कोई यह ऑर्डर की कोई इज्जत नहीं करे उन्हों। ये कोर्ट का ऑर्डर आदेश है, आप हमें सबको मेल करें, हमें भी जो भी संबंध पट्टी अधिकार हैं उनको सबको मेल करें। तो मेल कर को अभी उनका रिस्पांस आया नहीं, हमें मेल करें। अब नहीं है तो हमारा अगर काम उन्होंने हमने चुप ये नहीं करे तो हमें कल हमारी जान गई तो जाती कि नहीं गई, मैं वहाँ बैठ को हमारी जान देते हैं। कौन सी तारीख को आए आदेश? यह आदेश है 19 तारीख को आए। क्या आदेश में क्या है? यह आदेश में यह है 187 लोगों को ये जो विधि के ऊपर बैठ को व्यापार करने वाले हैं इनको क्या भी तकलीफ नहीं देना, कौन भी नहीं देना इनको क्या भी अगर करने का रहा तुम्हें डिस्पोज भी करने का रहा कर को बोले तो क्या तुम्हें आपको कोर्ट को अप्रोच होना, तुम्हें नहीं करना। ये कमिश्नर को भी अधिकार नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट वाले को भी अधिकार नहीं है। ये बात मैं कमिश्नर के सामने बोला ही तो क्या बोले इसके? हमें सामने से पेपर भी दी उनको, क्या बोले इसके बारे में? उन्होंने नहीं मानते को रहे ये तुम्हें हमने दिए नहीं, हमने मानते नहीं, ये ऑर्डर हमने संबंध नहीं करते उन्होंने। इन्हों शायद मुझे ऐसा लग रहा इन्हों इंडिया के कानून को नहीं चल को कौन से भी भारत देश के कानून को चलने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा। मैं आरोप लगा तो सीधा यहाँ के कमिश्नर के ऊपर, ये हाईकोर्ट के आदेश को इन्होंने नहीं मान रहे कर बोले तो नहीं इंडिया के कानून के दायरे में नहीं है इन्हों। इनको सडनली हमारे जिलाधिकारी सस्पेंड करना, घर को इनकी नौकरी को वजहदार छोड़ देना, इनको खलास इनकी भेजना इनको घर को, इन्हों कानून की बात नहीं समझ रहे कर बोलेगा तो। और गरीब लोगों के ऊपर क्या है मालूम, क्या अत्याचार कर रहे हैं इन्हों। एक MLA के इसके अंदर आ को इन्हों अत्याचार कर रहे हैं और पेट पर लात मारने वाला MLA अल्लाह ताला उसे आज नहीं तो कल, वो भगवान बीजापुर का MLA और कौन, बीजापुर का MLA बसवनगौड़ा पाटिल इसका मेन सूत्रधार उन्हें है। ये जो है इन्होंने उसकी गुलामी कर रहे हैं। कारपोरेशन वाले और पुलिस स्टेशन वाले इसकी बसवनगौड़ा की गुलामी कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा कि कर बोले तो कोर्ट की बात जब नहीं मानते कर बोलेगा तो सीधा सीधा मेरा आरोप है उनके ऊपर। उन्होंने आने वाले दिनों में क्या करना है? हमें क्या नहीं, हमें वहाँ बैठते हैं, हम ना क्या करते हैं करेंगे? आप क्या हमारी जान भी गई थी, हमें भूखे मरने से क्या है, वहाँ बैठ को हम भी मर रहे हैं यहाँ भी मरते हैं। आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, 3 दिन वेट करेंगे या अभी जाके बैठेंगे? नहीं नहीं हमें कल तक टाइम दियो ना, कल फजर तक उनको देखते हैं, नहीं देता हमें हमारे जाकर हम बैठ छोड़ देते हैं। उन्होंने बटाने की हमें जरूरत नहीं है, हम ना कोर्ट बैठी हम ना बटाई चाहे हमें वहाँ चाहिए, हमें वैसे निकले नहीं। इन्हों हमने वहाँ भी यही धब्बाड़ की कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? पुलिस और इन्हों कारपोरेशन वाले। इसके ऊपर एक कमेटी बैठे हैं, वो कमेटी वाले क्या बोल रहे हैं? वो कमेटी वाले बहुत बोल रहे हैं, उन्होंने नहीं माने हमें कल जाकर वहाँ बैठने का खलास। उनकी बात पूछने की जरूरत नहीं है, उनको क्या भी उनके संज्ञान में लाने की जरूरत नहीं है, हमें मेल करें, उन्होंने मेल देखेंगे वो उनके संज्ञान में आता। उन्होंने कोर्ट कानून को नहीं मानते कर बोलेगा तो हम ना हमें तो कोर्ट कचहरी से जाने वाले, हमें सीधा सीधा उनके ऊपर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हैं, बार छोड़ते नहीं। अभी इसके खिलाफ DC को कंप्लेंट किया आप करें? अब जाके DC को भी देखें, हमें देखो हमें पूरा रिश्यूट कॉपी भी लेके आप DC को दिए। DC साहब अभी देख अभी उन्होंने उनके पास गया नहीं, अभी उनके पास सामने आगे उन्होंने क्या उसका जवाब देते हैं, कल जाते हैं मैं भी सब देने के लिए को DC साहब पास। अभी होराटा कला से भी होराटा बंद नहीं होने वाला, ये कानून और होराट चालू रहने वाला। अब हमने जेल बांध दिया, क्या करते हैं करते कि नहीं क्या? कल कितने बजे बैठेंगे आप? कल हमें 10 बजे हमें महीनोद्दीन बिड़गी एक्स कॉर्पोरेटर नमक भाव तरास नडदैत रही, नमक ಹೊಟ್ಟೆ ಈಗ 2-3 ವರ್ಷ ಆತು ಹೊಟ್ಟೆ ತರಾಸ ನಡೆದೈತಿ, ನಮಗೆ ದೋನ್ಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ತಿನ್ನೋನು, ಏನು ಇಸ ಕುಡು ಸಾವುನೋ ಏನು ಇರುನೋ ಅನ್ನಂಗಾಗೈತಿ. ನಮಗೆ ಆ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ಕುಂದ್ರವ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ನೀವು ಏನು ಜಲ್ಮ ತಗೋತೀರಿ ತಗೋರಿ, ನಮ್ಮ ಜಲ್ಮ ಹೊಡಿತೀರಿ ಹೊಡಿರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಕುಂದಿರ್ತೇವೆ. ಬಸವ ಬಳುತ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹಮೆ ಕಲ್ಲ ಹಮಾರೇ ಬಡೇ ಲೇಕ್ ಜಾಕೋ ಬಟಾಯ ಹಮೆ ಬೈಠೆ उन सभी सभी आई ना ले आई उन्हों ले आको हमें बैठे तो भी आको हमना पुलिस फौजदार कमिश्नर आको सभी हमना तकरार कर को उठा को हमना भी फेंके हमें होता तो भी बैठे चे नकोच कर को हमारे लोग तो भी दुनिया की तकलीफ उठा रहे, हमें ये तकलीफ ना देके जाको हमारे बड़े कर रहे, वो बड़े के वैसे हमें नहीं उनके से आगे जाना बोल को हमें भी धांधल करते थे नहीं कर कहते ऐसा नहीं, लेकिन हमें ना करना हमारे पीछे है ही बड़े,
हमें उसके वजह से ये आईना सामने ले को ठहरे तो भी हमारी बात को नहीं मारे, कई के वजह से हमारे संगठ यात्रा कर रहे सो ये तुम होना नहीं ಹೇಳ್ರಿ ನಿಮಗ ಮತ್ತ ಒದ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಇವ್ರಿಗೆ ಮದರ್ ಎತ್ತ ಹಮಾರ ಪಾಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ರಾಯತು ಭೀ ಹಮನ ಯೂ ಕರ್ ರಹೇ ಹೋ ನಾ ಹಮಾರ ಪಾಸ್ ಕ್ಯಾ ನಹೀ ಸೋ ತುಮ ನಾ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತೆ ಜಹಾ ಕೋ ಬೈಠೆ ನಹೀ ಕ್ಯಾ ಭೀ ನಹೀ ಜಬ್ ಹಮಾರೆ ಬೈಠೆ ಹಮನ ಹುಕುಮ್ ದಿಯೋ ತೋ ಹಮೇ ವೋ ಕದಮ್ ರಖೆ ನಹೀ ತೋ ನಹೀ ರಖೆ ಥೇ ಹಮೇ ಆಜ್ ತಕ್ ಭೀ ಹಮೇ ನಹೀ ಬೈಠೆ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಷ ಹೋನೆ ಆಯೆ ಹಮನ ಐಸೀ ಎತ್ತಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ಉಠಾ ರಹೇ ಹಮೇ ನಹೀ ಕೈದ ಐಸಾ ನಹೀ ಹಮಾರಿ ತಕ್ಲೀಫ್ ಕೋ ಯೇ ನಾ ದೇಕೆ ಜಾ ತೋ ಹಮಾರೆ ಬಡೆ ಹಮಾರೆ ಪಿಚ್ಚೆ ಹೈ उनको क्या भी होगा, आज होगा, कल होगा, कर को हमारे बड़े हमारे पीछे लग को आ सकते तकलीफ हमारी तकलीफ उन्होंने उठा रहे, हमें नहीं उठाना कि दुनिया करे हमें उनके साथ जोड़े उनके सामने। अब क्या नहीं देखो हमारा जागा हम ना होना की चीजें चिन्ह उनके कनिये हमारा चीजें चिन्ह उनके कनिये चार बरस दिन यहाँ तड़ पड़ रही बेवा यकीम सब जने तड़ पड़ रही मतलब उनके कनिये राय में नहीं आ लगी। इक्कीस बार मार को छोड़ो हमारे पास आरड है हमें बैठने वाले, अब हमारी जान गई पला नहीं, हमें क्यों तो मर को मरे, अब हमारे पास क्या नहीं सिर्फ आन के कपड़े वो भी दिन भर रात दलाल रजाक भी बिड़गी ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ತು ರೀ ಅಭಿಷಾರ ಜಾಗಿಲ್ಲ, ಈಗರೆ ಕೋರ್ಟಿನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೈತಿ ಕುಂಡ್ರಂದ್ರು ಕುಂಡ್ರಬೇಕಂದ್ರು ಕುಂಡ್ರಸಲಾಗ್ಯಾರ, ನಿನ್ನೆ ಕೂತಿದ್ದೆವು ಅವ್ರದ ಅವರು ಅಭಿಷಾರ ರೀ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜಾಗ ಈಗ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದೈತಿ ನಾವು ಕುಂಡಿರ್ತೀವಿ ನಾಳೆ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸರ್, ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ರಿ, ರೋಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದೇ ಜಾಗನೇ ಬೇಕ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಆಗುದಿಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬೇಬಿ ರೀ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಬಂದದ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ದಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಡ್ಕೋತೀನಿ ನಾ, ಏನಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನದು ನಮ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕುಂದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ, ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಚ್ಬಾರ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ರೀ ಹೇರ್ಕೊಂಡು ಹಾದ್ರ ಹಾದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುದು ನಾವು ಕೋರ್ಟಿಗೆ, ಈಗ ಇಟ್ ಬಂದೇವ್ರಿ ಮುಚ್ಚ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿ ತರ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಬಾಗಾರಿ ಜಾಗ ಭಾಜ್ ಬರ್ತೀವಿ क्या तो कल पुलिस ले जाओ मार दिए झेल को भाजिए आज मैं कोरर काटा रहा तुम नहीं माने तैयार होने कल दुकान लगा जो सब दुकान काटे कोरर से अड़ा तुम नहीं मान रहे हो, हमने वहाँ जगह ना वहाँ बढ़ते लोगों में अब तीन साल से बहुत तकलीफ हो चली, हमने कहा बेपा करने दे रहे नहीं पुलिस आठ नहीं दे रहे नहीं। इवती दिवस विजापुर जिले एला कार्यक्रम अति उत्तम नीत व्यवहार अंदर वो तुड़गिन व्यापार आगे विजापुर ಇನ್ನು ಕಳ್ಬಟ್ಟಿ ಸರಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗೈತೆ, ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ತುಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಚಲೋ ಅನಿಸೈತೆ ಮಂದಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಯೊಳಗೆ, ಬೀದಿಯೊಳಗೆ ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕುದಿಗೆ ಈಚೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ, ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಕ್ರೆ ಪಾಯಸದೊಳಗೆ ಒಂದಿರ ಏನಾರ ಇಸಾಗಿಸ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗಳು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಾಯಿತನಗಳು ನಾವು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಕುಂತು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತ್ರಾಸು ನಡೆದೈತೆ ಅಂದರೆ ಯಾ ಎಮ್ ಎಲ್ ಇನೂ ಬಂದು ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಏನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಕೇಳೋ ಇಲ್ಲ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದರೆ ಏನಂತ ಬೊಮ್ಮಯ್ಯವರು ಅವರು ಬಂದು ಹೇಳಿ ಕುಡಿದು ನಾವು ಅಡ್ಡಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸರಾಯಿ ಅಂಗಡಿಗಾರ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಓಣಿ ಓಣಿಯಾಗಿ ಸರಾಯಿ ಮಾರ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತೀವಿ, ಹಂಗಾರೆ ಮಾಡಿರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನಾರ ಇವ್ರಿಗೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಹಾಂ ಬಸವನಗೌಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಅಷ್ಟು ಭಾಳ ಚಲೋ ಮಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಬಡ್ರದ್ದು ಒಂಜಾರ ನೋಡ್ರಿ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿ ಒತ್ತಿಸಿ ಶೀಟ್ ಗುದ್ದಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತಂದವರು ನಿಮ್ಮ ಜನಗಳ ನೀವು ಜನಗ್ರಿಗೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡೋ ಸರ್ಕಾರವೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಡವ್ರ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ರೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಮಾಡೋರು ನೋಡ್ರಿ, ಒಂಜಾರ ಬಡವ್ರು ಅನ್ನೋದು ಎದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಬಡವ್ರು ಬದುಕಾಕ್ ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು ಬದುಕ್ರಿ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಯಾರ ತುಂಬಿಸ್ಕೊರಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಮನೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಬಡವ್ರು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾಕ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ಎರಡು ಹೊಟ್ಟು ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಣಗಾಕ್ ಬಿಡ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಆಗೋ ಯಾವಾಗ ಓಡಿ ಹೋದೆವು ಯಾವಾಗ ಬಂದೆವೋ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಯೋ, ಇವ್ರು ಮುಂಜಾಳೆ ಅದು ಪೊಲೀಸರು ಬರ್ದಿತ್ತಾರ, ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ತ ನೋಡಾಕತ್ತಾರ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ತ್ರೀ,
ಏನು ತುಡುಮಾಡಿವ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂದೆ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ತಂದು ಕೊಡಾಕೈತ್ರಿ ನಮಗೆ ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಂದು 200 300 ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಸಾಕುವಂತ ಅದಾರ ನಮ್ಮ ತಾಯರನು ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಕುತ್ತಿಗೆ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಗೈತಿರಿ ಅಂದ್ಬಳಕ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಇದ್ದ ಉಪಯೋಗೇನೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಏನಾಗು ಇಡೀ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಬರೇ ಮೋಸತನ ನಡೆದೈತಿ ಬರೇ ಮೋಸ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಇದು ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಬಿಜಾಪುರನಾಗ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದುಡಿಯಾಕೆ ಬಿಡ್ರಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ 2 ನಂಬರ್ ದಂಧೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ದಾರು ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ದಂಧೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಓಣಿ ಓಣ್ಯಾಗ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಕುಡ್ರಿಕನಂತರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 3-4 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗೈತೆ ನಮಗೆ ನಿಂದ್ರಾಕು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಒತ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ತ್ರಾಸ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್ಲಿದ್ದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗಣಪತಿ ರೋಡ್ ಇಂಡಿ ರೋಡ್ ತನ ಇನ್ನೊಂದು ಗಾಡಿ ಒತ್ತದು ಅಷ್ಟು ತ್ರಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಾವೇನು ಬೈಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿವೆ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಸಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿವೆ ಹಣ್ಣು ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡು ಒತ್ತಿಗಿದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ ಈಗ ಬಿಜಾಪುರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಜುಡೇರಿ ಈಗ ಆಪ್ ಕೆ ಅಪ್ನೆ ಚಾನಲ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್.